पंचास्ति का प्रावृत ग्रंथराज में नव पदार्थों का व्याख्यान प्रारंभ हुआ था। पहली 106 नंबर की गाथा हो चुकी थी जिसमें मोक्ष मार्ग की सूचना दी गई थी। अब उन्हीं मोक्ष मार्ग के जो अवयव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान आदि हैं उनका थोड़ा वर्णन क्रमवार किया जाता है। एक गाथा इसमें एक्स्ट्रा भी है जो केवल जयसेन महाराज की टीका में है। अथ व्यवहार सम्यक दर्शनम कथ्यते एवं जिणपन्नते सद्दह मानस भावदो भावे पुरिसस्साभिनिबोधे दंसन सद्दो हवदी जुत्ते। एवं जिन पंडित्य इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सद्दह मानस जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए भावे जो भाव माने पदार्थ हैं उनमें श्रद्धान करने वाले के भाव दो माने भाव से श्रद्धान करने वाले जीव के लिए पुरुषस्य ये उसी का विशेषण है। आभिण बोधे और उन पदार्थों का ज्ञान हो जाने पर दंसन सद्दो हवदी जुत्ते उन पदार्थों में युक्त हो जाने पर उसके लिए यह दर्शन नाम का जो शब्द है ये युक्त रूप से माने उचित रूप से घटित हो जाता है। दंसन शब्द यानी उस जीव को सम्यक दृष्टि कहा जाता है सम्यक दर्शन से सहित कहा जाता है जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों पर श्रद्धान करके ज्ञान बना लेता है। ये यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो ये गाथा अमृतचंद जी ने इसकी टीका नहीं करी ये जयसेन महाराज को मिली। एवं पूर्वोक्त प्रकार रेण जिन प्रज्ञप्तान यानी वीतराग सर्वज्ञ प्रणीतान श्रद्धदथ रुचि रूप परिणाम तक यानी वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों का श्रद्धान करने का मतलब है उनमें रुचि रूप परिणाम रखना। कान त्रिलोक त्रिकाल विषय समस्त पदार्थगत सामान्य विशेष स्वरूप परिचित्ति समर्थ केवल दर्शन ज्ञान लक्षणात् लक्षण आत्मद्रव्य प्रवृत्ति समस्त भावान पदार्थान जो भाव हैं पदार्थ हैं वो समस्त पदार्थ कैसे हैं तो आत्मद्रव्य आदि ये सभी भाव पदार्थ कहलाते हैं। और ये सभी पदार्थ तीन काल को विषय करने वाले समस्त पदार्थों में रहने वाले जो सामान्य विशेष स्वरूप हैं उनको भी जानने में समर्थ जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है उसके माध्यम से यह आत्मद्रव्य आदि समस्त पदार्थों को जाना जाता है। यानी भगवान के द्वारा जो पदार्थ जानने में आए वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जानने में आए जिसमें उन सब पदार्थों के सामान्य स्वरूप का भी ज्ञान हुआ और विशेष स्वरूप की भी परिचिति हुई। तो सामान्य स्वरूप का ज्ञान करने में समर्थ केवल दर्शन होता है सभी पदार्थों के और विशेष स्वरूप का परिच्छेद करने में जो समर्थ है वो केवल ज्ञान है। इस तरह से आत्मद्रव्य को आदि लेकर के अन्य जितने भी अजीव आदि पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को जिन्होंने जान लिया है ऐसे पुरुषस्य भव्य जीवस्य
उस भव्य जीव के लिए आभिनिबोधे मति ज्ञाने सति मति पूर्वक श्रुतक ज्ञाने वा। उस जीव के लिए मति ज्ञान होने पर या मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हो जाने पर दर्शनी को अयम पुरुष इति शब्द, यानी यह पुरुष दर्शन माने दर्शनिक शब्द के द्वारा कहा जाता है। जैसे रत्नकरण श्राव का चार में पहली प्रतिमाधारी को दर्शनिक कहा गया है, है ना, दर्शनिक श्रावक बताया गया। उसी तरह से अध्यात्म की लाइन में सबसे पहले वह दर्शनिक कहलाता है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान कर लेता है। तो श्रद्धान करने की अपेक्षा से अध्यात्म की दृष्टि में यह भी दर्शनिक है, है ना। सामान्य से इसको दर्शन शब्द से कहा जाएगा, सम्यक दर्शन के साथ हो गया ऐसा कहा जाएगा। और उधर जो है वो एक तरह से श्रावक की जो प्रथम भूमिका बनती है, दार्शनिक श्रावक, पहली प्रतिमा वाले का नाम क्या है, दार्शनिक श्रावक। तो उसकी भी वहाँ पर वह भूमिका एक तरह से भगवान देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करने से बनती है, और श्रद्धान के साथ साथ कुछ अष्टमूल गुण आदि का आचरण करने से भी बनती है। तो वहाँ पर तो अष्टमूल गुण आदि के आचरण की प्रमुखता है भगवान की ओर श्रद्धान करते हुए, वीतराग सर्वज्ञ भगवान गुरु आदि की श्रद्धा करते हुए इस तरह से वह थोड़ा सा अष्टमूल गुण आदि का पालन करता है तो वह दार्शनिक श्रावक कहलाने लग जाता। इधर जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जिसके अंदर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर श्रद्धा आ जाता है उसे दार्शनिक श्रावक कहा जाता है, है ना। तो यहाँ पर भी वो दर्शन शब्द से कहा गया है, उधर भी दर्शन शब्द से कहा गया है। तो ये दर्शनिक है, ये दार्शनिक ना कह के क्या बोलते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लिखा है उन्होंने। तो इस तरह से ये दर्शनिक हो जाता है। हाँ, रत्नकरण श्राव का चार में पंच गुरु चरण शरण दर्शनिको तत्वपत ग्रह्य ऐसा है ना। तो तत्वपथ को जिसने ग्रहण करने योग्य हो गया है माने अब वो रास्ते पर आ गया है, रास्ते पर चलेगा, रास्ते को जिसने ग्रहण कर लिया है तत्व का जो रास्ता है। पंच गुरु चरण शरण, शरण तो उसके लिए पंच गुरु की है ऐसा उसने मान लिया है, उसको वहां पर दार्शनिक श्रावक कहा है। हाँ, जो भी भगवान ने कहा है सभी पदार्थों पर श्रद्धान करने का नाम माने आत्म पदार्थ को प्रमुख करके सभी पुण्य पाप सहित जो नौ पदार्थ हैं उन पर श्रद्धान करने वाले को, उसमें रुचि रखने वाले को दर्शनिक श्रावक दर्शनिक कहा जाता है। हाँ, वो जिस किसी भी रूप में हो, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से विद्वानों की मान्यता अलग अलग रूप में भी रही है, लेकिन मुख्य रूप तो वहां पर पंच गुरु चरण शरण है ना। रत्नकरण श्राव का चार में दर्शनिक बनने के लिए क्या करना है, पंच गुरु के चरणों की शरण स्वीकार करना है। और यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए जो पदार्थ हैं, आत्मा अजीवादि पदार्थ, इन सब पर इसी रुचि रखने का नाम इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दर्शनिक। क्या उसी नामकरण से क्या बोलेंगे सामायिक वाले भैया, क्या बोलोगे सामायिक किस रहा है
चिंतन तो अच्छा है, विचारणी है। हाँ, व्रति श्रावक को क्या बोलोगे? व्रतिक। तो क्या आगे कुछ बोलोगे कि नहीं, केवल व्रति बोल के छोड़ दोगे? व्रति भैया, व्रति श्रावक, दर्शनिक श्रावक, फिर नाम नहीं बोलना किसी का। फिर सामायिक वाले के लिए क्या बोलोगे? सामायिकी श्रावक। प्रोसदोपवासी, सचित्यागी श्रावक, आरंभ त्यागी ब्रह्मचारी श्रावक है। दर्शनिक के लिए भोजन पानी की मर्यादा के बारे में नहीं बताया गया श्रावक। हाँ, लेकिन ऐसा है, पहले जो है ये सब चीजें अंडरस्टूड थी, है ना। भोजन पानी वाली समस्याएं थोड़ी सी काल के कारण से आगे आई हैं, है ना। पहले ये भोजन पानी वाली समस्याएं इतनी नहीं थी, जब ये विज्ञान इतना आगे नहीं था तब भोजन पानी वाली समस्याएं ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई दे रही हैं। तो हमेशा जो श्रावकाचार के बारे में लिखा गया है या जो कुछ भी आचार्यों ने कुलाचार के रूप में वर्णन किया है, तो उसी का किया है जो उस समय पर समस्या जिस रूप में रहती थी उसी को लेकर के लिखा है। तो शुद्ध भोजन भी करना है कि नहीं करना, शुद्ध पानी का मतलब क्या, ये सब बातें पहले कभी कहीं लिखी नहीं गई। बाद के श्रावकाचारों में है, वो विद्वानों के द्वारा है, क्रियाकोश वगैरह में है, है? किशन सिंह का एक क्रियाकोश है, ऐसे ये सब चीजें बाद में क्रियाकोश का फिर एक अलग से लेखन चला, कथन चला, उसमें आई। अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो जो श्रावक की क्रियाएं थीं, वो जिस समय पर उन्हें जिस क्रिया से जोड़ना होता है तो आचार्य उस समय की मुख्यता से वो बात लिखते हैं। अब पहले क्या होता था कि खान पान तो सही रहता था लेकिन श्रद्धान जो है बिगड़ जाता था, क्योंकि अन्य विधर्मी लोग ज़्यादा रहते थे तो उनके प्रभाव में आकर के वो श्रद्धान बिगड़ जाता था। उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ सब कुछ व्यवहार होना है, तो पहले उन चीज़ों पर ज़्यादा दूर दिया गया। नहीं नहीं, मांसास खाने वाले राजा तो चलो ठीक है, जब कभी कहीं कोई भी कथानक में मिल जाता है, लेकिन ऐसे खान पीन जो हर जगह नहीं था ऐसा मांसास खाने वाला, ना ये तो जो कोई भी ऐसा करता था तो वो गलत ही समझा जाता था और वो क्वचित कदाचित ही होता था। हाँ, बस इतने से ही काम हो गया उनका। अब राजा वगैरह मांसास के जो लंपटी रहे हैं, अब वो कोई कोई रहे हैं, उन्हीं का कथानक मिल गया तो अपन को ऐसा लगता है कि सब राजा ऐसे ही रहे हैं, जबकि राजा लोग ऐसे नहीं रहा करते थे। तो जो ये इस तरह के मांसाहारी लोग होते थे वो थोड़ा अलग ही रहा करते थे, कम ही हुआ करते थे। तो ज़्यादातर घरों में ऐसे मांसाहार का प्रचलन नहीं होता था, कोई भी करता था तो या तो वो बहुत शौक में आकर के करेगा, किसी मतलब स्थिति परिस्थिति विशेष के साथ करेगा, तो वो ज़्यादातर घरों में इस तरह का नहीं था मतलब। हाँ, या फिर जिनका निम्न कुल का आचरण है वो करते थे।
अब वो सब बातें बहुत सारी तो हैं, लेकिन मुख्य तो ये है कि पहले प्रचलन तो शाकाहार का ही था। मांसाहार का प्रचलन तो किसी देश में अलग से या किसी मतलब स्थान विशेष पर अलग से या किसी नगर में बाहर की तरफ कहीं इस तरह के गंदे लोग रहा करते थे, वो सब नीच लोग, वो निम्न लोग किया करते थे। ऐसे सामान्य से प्रचलन नहीं था, है ना। अपन भी देखें, आज से 20 साल पहले अपने आसपास गली मोहल्लों में कभी कोई मांसाहारी मिलता ही नहीं था, है ना। अगर मतलब उनकी जाति विशेष को छोड़ दें किसी एक को, तो ऐसा तो सामान्यतया पहले जो भाव रहता था आचार्यों का कि वो इस तरह से उनका सम्यक्त बना रहे, तो वो मिथ्यात्व की चीज़ों को दूर करके सम्यक्त को प्राप्त करें, है ना, पंचगुरु की शरण में आए, ये सब जो है कठिन था पहले। अब आज दोनों ही चीज़ें कठिन हो गई, ये भी बिगड़ गया कुलाचार और ये श्रद्धान भी बिगड़ गया, तो अब दोनों ही चीज़ों पर जोर डालना पड़ता है। हाँ वो तो ठीक है, अभी जो कहा जा रहा है ना, तो इसलिए जो है अब क्रिया कोशों पर भी ध्यान दिया जाता है कि क्या खाना क्या पीना, कैसे खाना कैसे पीना। तो ये पहले प्रतिमाधारियों की जो शुरुआत होती थी गृहस्थ के लिए, उनको अलग से नहीं बताना पड़ता था, अब उन्हें सब अलग से भी बताने का समय आ गया, तो वो सब अलग से भी बताना पड़ता, ऐसा कहना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें कह तो रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पहले घर घर में सही रूप में प्रचलन में ही थी ना, मतलब ये कुलाचार में ही था ये सब, कहने का मतलब आपके 3 दिन की मर्यादा 5 दिन की मर्यादा, अब रोजाना का रोजाना ही लोग बनाते थे, रोजाना का रोजाना ही लोग लाते थे खाते थे, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब भाई दूध है तो रोजाना निकलेगा, बासा दूध कौन पीने बैठा है, फल सब्जियां हैं रोजाना लाते हैं रोजाना खाते हैं रोजाना समाप्त कर लेते हैं, भाई पहले सब यही चलता था, बासी सब्जियां कोई नहीं खाता था। आज से 20 साल पहले भी अपन देखें अपने आसपास अपने घरों में तो यही सब होता था, ताज़ी सब्जियां आती थी रोजाना, ताज़े ही फल आते थे, ताज़ा ही रोजाना दूध आता था। अब जो है वो जब रखने लगे और रोकने लगे किसी ना किसी तरह से, अब रोज़ रोज़ कौन लेने जाए, रोज़ कहाँ क्या मिलेगा, तो फिर अब ये सब दिक्कतें होने लगी हैं। हाँ हाँ तो मतलब एक कुलाचार था पहले अच्छे घरों में, वो सब चलता रहता था, कहने का मतलब। इसलिए आचार्यों को पहले कभी ये लिखने की ज़रूरत नहीं समझ में आई कि 3 दिन की आटा वाला भोजन इस मौसम में करना, 5 दिन वाला इसमें करना, तो ये सब चीज़ें पहले चलती रहती थी शांति से। बस होता तो बस यही होता था, अनेक अनेक विधर्मी लोग रहते थे, उनके प्रभाव में आकर के लोग अपना धर्म बदल लेते थे, तो इसलिए जो है पंचगुरु चरण सरणा ऐसी चीज़ों पर उन्होंने जोर डाला। किसके लग रहे नामकरण के? हाँ ये नाम तो दंसण व सामाई, ये तो गुणों के आधार पर पहले से ही है। अगर वो अहिंसा अड़ुव्रत का धारी केवल अड़ुव्रत ही लेता है मान लो, तो वो अपनी हिसाब से बना सकता है उसको, उसको स्थूल रूप में इसीलिए कहा है
और एक देश इसीलिए कहा है कि वह एक अड़ुव्रत का पालन अपनी शक्ति के अनुसार अपनी मर्यादा में कुछ भी बना सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है किसी चीज का। मतलब अगर वह मांसाहारी है तो थोड़े समय के लिए भी मांस का त्याग कर देगा तो भी वो अड़ुव्रति कहलाएगा, केवल अहिंसा अड़ुव्रति। मान लो कोई मांसाहारी व्यक्ति है, रोजाना खाता है, और अगर उसने सप्ताह में दो दिन का त्याग कर दिया, तीन दिन का त्याग कर दिया, तो वो भी एक तरह से अड़ुव्रति हो गया। तो अड़ुव्रति का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो छोटी सी शुरुआत करे और वो उसकी आगे पूर्णता जो होती है वो फिर पहली प्रतिमा में जाके हो जाती। तो केवल अड़ुव्रति है तो वो ठीक है। अब आजकल कोई अड़ुव्रत लेना चाहता है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रात मतलब ये मर्यादित भोजन ही करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अड़ुव्रत माने बस अपना स्थूल रूप से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा, और ऐसा उसका संकल्प है, संकल्प ही हिंसा का त्याग है तो भी अड़ुव्रति कहलाएगा। अड़ुव्रत को इसी रूप में ही कहा गया है। यहां तक भी कहा गया है कि पांचों अड़ुव्रत भी एक साथ लेना जरूरी नहीं है, एक अड़ुव्रत भी ले सकते हो आप एक अलग से। अहिंसा अड़ुव्रत ले लिया पर्याप्त, ये भी अड़ुव्रत है। तो अड़ुव्रत का मतलब पांच में से एक ले लो वो भी, और एक में भी थोड़ा ले लो वो भी, सब अड़ुव्रत है। अब वो आटा वगैरह अगर मर्यादा से बाहर हो गया है तो भी वो उसका संकल्प अभी, देखो एक जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थ में श्रद्धान करने से आना, और एक सामान्य से कि हाँ भाई किसी भी जानवर का मांस आदि का सेवन कभी नहीं करेंगे, अपना जो साग भाजी वाला जो भोजन है, रोट आटा मसाले वाला चीज है, ये अपन खाते पीते रहेंगे, तो इसमें उसकी अभी वो नहीं आ रही चीज़ कि उसको उसमें ऐसा लग रहा हो कि हम कोई मांस खा रहे हैं या कोई जीवों का कलेवर है, वो कुछ नहीं है, और ना उसमें ऐसा कुछ दिखता है ना कुछ, वो तो श्रद्धा की चीज़ है। तो वो श्रद्धा उसकी बाद में बनेगी जब उसे और सम्यक दर्शन के दार्शनिक प्रतिमा के निकट लाया जाएगा, तब उसकी श्रद्धा बन जाएगी। है हाँ, तो क्या हो गया, अड़ुव्रत तो कोई भी ले लेता ना। अड़ुव्रत मतलब एक सिंगल अड़ुव्रत, उसका अड़ुव्रत भी जो उसने लिया है तो वो मिथ्यात्व के साथ क्या, उसका सम्यक दर्शन इतना ही है कि मानो उसने मुनि महाराज से ले लिया तो मुनि महाराज ने मुझे अड़ुव्रत दे दिया, उसका सम्यक दर्शन इतना ही है कि मैंने मुनि महाराज से संकल्प लिया है, बस मुनि महाराज के प्रति उसका इतना जो आदर का भाव है कि मैं इनसे जो व्रत लिया हूं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो यही उसका सम्यक दर्शन है। बाकी उसे नहीं पता कि पंच परमेष्ठी क्या होते हैं, अरियंत 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन से सामान्य और विशेष पदार्थों को जानने वाले होते हैं, ये सब उसे क्या पता है ना। जैसे यमपाल चांडाल है तो उसे क्या पता, उसने 14 के दिन मांस का त्याग कर दिया या हिंसा का त्याग कर दिया, तो अब उसको अलग से कौन सा सम्यक दृष्टि, उसका नियम था कि भाई मैं मंदिर जाऊंगा, कि मुझे कोई अलग से कोई तत्व का ज्ञान तो था नहीं। तो इसीलिए ना, तो अपने एक व्रत में जो है वह जो भगवान के द्वारा या गुरु के द्वारा बताया हुआ था, उस एक व्रत में वह संकल्प के साथ जुड़ गया, तो उसकी यही श्रद्धा वहां पे सम्यक दर्शन है। तो इसलिए सम्यक दर्शन भी जो है पात्र के अनुसार, भूमिका के अनुसार अलग अलग तरह का कहा गया है। चरणानुयोग का सम्यक दर्शन अलग होता है, करणानुयोग का अलग होता है, द्रव्यानुयोग का अलग होता है ना। ये प्रथमानुयोग के सम्यक दर्शन है, यमपाल चांडाल वाला है, ये प्रथमानुयोग के सम्यक दर्शन ये अलग होते हैं। तो इस सम्यक दर्शन भी जो है ये सब अलग अलग अनुयोगों के अनुसार अलग अलग तरह से है। हाँ हाँ, वो भी सबका अलग अलग रहता है। तो इसलिए जो दृढ़ता तत्व ज्ञान के साथ है वो अलग चीज़ है,
और एक सामान्य रूप किसी की बात मानने रूप गुरु आदि की या कोई एक व्रत लेने रूप होती है तो उसकी भी प्रशंसा की जाती है, वो भी मार्ग पर आगे बढ़ने वाला होता है अहिंसा आदि के व्रतों के माध्यम से, तो वो भी कहा गया है सम्यक दर्शन संपन्नम। अब वो कौन से सम्यक दर्शन से संपन्न हो गया एकदम से, तो ये कोई उसमें ऐसा सम्यक दर्शन नहीं आ गया कि वो एकदम से कोई क्षय उपशम सम्यक दृष्टि हो गया कि उपशम सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन फिर भी है प्रथमा नियोग के अनुसार शुरुआत की भूमिका के अनुसार गुरु की श्रद्धा आ गई तो यही सम्यक दर्शन हो गया। सब अनादिकाल से ही तो चला आ रहा है, नया क्या पैदा होगा यहाँ अपन सब अनादिकाल से ही तो चले आ रहे हैं, है ना? क्या हाँ है? हाँ वो ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन का मतलब जिन दर्शन है नस लोग तो सम्यक दर्शन तो ठीक है, जो दार्शनिक प्रतिमा ले लेते हैं ना वे दादी अम्मा और दादा भी नहीं जानते कि दार्शनिक प्रतिमा का मतलब क्या है, वे दर्शन दर्शन करने का मतलब दार्शनिक प्रतिमा समझते हैं कि हमारा दर्शन का नियम हो गया तो हमारी दार्शनिक प्रतिमा हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दर्शन तो एक बहुत सामान्य सा कुलाचार है, सबके लिए है, उसका प्रतिमा से कोई संबंध नहीं है। तो दार्शनिक प्रतिमा अपने आप में अलग चीज हो गई, उसमें थोड़ी शरण हो गई, श्रद्धा उसमें बढ़ गई और आचरण भी थोड़ा सा काफी जो प्रारंभिक कुलाचरण होता था वो निर्दोष हो गया ऐसा, तो वो दार्शनिक श्रावक के रूप में आ जाता है। तो ये तो मतलब भ्रम है या अपनी मान्यता है कि दर्शन प्रतिमा का मतलब दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपना नियम होता है, सामान्य से देव दर्शन करके हम भोजन करेंगे तो एक सामान्य भी लोगों का नियम होता है, उसका दर्शन प्रतिमा से कोई संबंध नहीं है। दर्शन माने वो श्रद्धा ही है, पंचगुरु चरण शरण। युक्त है उचित है इति, इस तरह से वह कहना उचित है। अत्र सूत्रे यद्यपि क्वापि निर्विकल्प समाधि काले निर्विकार शुद्धात्म रुचि रूपम निश्चय सम्यक्तम स्पृशति तथापि प्रचुरेण बहिरंग पदार्थ रुचि रूपम यद व्यवहार सम्यक्तम तस्यैव तत्र मुख्यता। ये जो आपको अब ये जो चैप्टर आया ना इसमें आपको निश्चय व्यवहार संबंधी सब बातें पकड़ना है ना, कहाँ क्या लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी इसके टीकाओं में, है ना? तो देखो क्या लिखा है कि यद्यपि सूत्र में ये कहा गया है, सूत्र में यद्यपि किसी काल में कभी निर्विकल्प समाधि काल में कभी कभी निर्विकार शुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक्त का स्पर्श कर लेता है ना, ये सब पकड़ने वाली बातें हैं। यानी ऐसा सम्यक दृष्टि जो व्यवहार की मुख्यता से कहा जाता है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा निश्चय सम्यक्त के निकट रहता है, तो उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तथापि प्रचुरेण माने बहुलता से, है ना, क्या करता है वो बहिरंग पदार्थों में रुचि रूप जो व्यवहार सम्यक दर्शन है उसको बनाए रखता है। बहिरंग पदार्थों में रुचि रूप मतलब जो छह द्रव्य हैं, सात तत्व हैं, नौ पदार्थ हैं, इन पदार्थों में रुचि बनाए रखता है, इनमें श्रद्धा के साथ उसकी परिणति बनी रहती है, तो मुख्यता से तो व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाएगा। अब देखो व्यवहार सम्यक दृष्टि भी निश्चय सम्यक दृष्टि होता है क्या, ऐसा प्रश्न करते हैं लोग, है ना? तो निश्चय सम्यक दृष्टि पहले होता है कि व्यवहार सम्यक दृष्टि पहले होता है, है ना? तो इसी वार्तिकों से स्पष्ट हो जाता है, इसको भावों को समझो। व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब है, जरूरी नहीं है कि जहां पर व्यवहार हो वहां निश्चय हो हमेशा, है ना? क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या हो गया, निर्विकल्प समाधि के काल में शुद्धात्मा की रुचि बनाना। क्या कहा? निर्विकल्प समाधि के काल में अपनी निर्विकार शुद्धात्मा की रुचि रूप परिणाम होने का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अब कई जी ज्ञानी आत्माएं कहते रहते हैं
कि जहाँ व्यवहार होगा वह निश्चय अवश्य होगा, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, निश्चय पहले होता है व्यवहार बाद में होता है, है ना। जब आपको निश्चय नहीं है तो व्यवहार कहाँ से आएगा। ऐसा ये सब जितने भी ये समय सार को पढ़ने वाले हैं ये सब यूं बोलते रहते हैं। तो व्यवहार का मतलब निश्चय नहीं होता है, या व्यवहार जिस समय पर है उस समय पर भी हमारे लिए निश्चय नहीं होता है, निश्चय सम्यक दर्शन तो बना ही रहता है, ऐसा बोलते हैं। कैसे बना रहेगा, जिस किसी काल में निर्विकल्प समाधि के काल में वह जब ऐसी शुद्धात्मा की रुचि रूप परिणाम बनाएगा तब वह निश्चय सम्यक्त्व का स्पर्श करता है, है ना। अभी क्या शब्द डाला, स्पर्श करना, किसी चीज मय हो जाना और किसी चीज को केवल छू लेना, है ना। तो जो व्यवहार सम्यक दृष्टि होते हैं उनके जीवन में व्यवहार सम्यक दर्शन की मुख्यता रहती है, लेकिन कभी किसी समय पर आत्म ध्यान के काल में, निर्विकल्प समाधि के काल में, वो भी जो योग्य होंगे निर्विकल्प समाधि के, उनके लिए वह क्या करेंगे, अपनी शुद्धात्मा की रुचि रूप परिणाम बनाएंगे, तो वह निश्चय सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेंगे, इतना ही कर सकते हैं। पंचम काल में मुनि महाराज इतना कर सकते हैं। निर्विकल्प समाधि का समय बनता है तो उस समय पर वह अपनी शुद्धात्मा की रुचि रूप परिणामों से अपनी आत्मा का स्पर्श कर सकते हैं। अब वो स्पर्श इतना ही होता है ना, जैसे कबड्डी खेलते ना, तो कबड्डी खेलने का मतलब यह है कि जो अपनी बाउंड्री है बस उस बाउंड्री से पहले पार जाना, है ना, और किसी एक को बस छू के आ जाना, तुम जीत गए। अब उसको हम पकड़ के ले आए अपनी पारी में, उसको पछाड़ना जरूरी नहीं है, अगर हम उसको छू के आ गए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये ही निश्चय सम्यक दर्शन है, और ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन मुनि महाराज को क्वचित कदाचित होता है। कब, जब वो अच्छे ध्यान के समय पर निर्विकल्प होकर के बैठेंगे इसी मूड में कि आज अपने को पंच परमेष्ठी का ध्यान नहीं करना है, अरंत सिद्ध का ध्यान करते करते तो बहुत टाइम हो गया, आज अपने को अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करना है बस, तो बस उनके लिए उस ध्यान के काल में वो जो रुचि आएगी अपनी शुद्धात्मा की प्रति, उसमें जो उनकी उपयोग की परिणति का जो स्पर्शन होगा वो उनका निश्चय सम्यक दर्शन। ये बहुत अच्छे वार्तिक हैं, इनका खुलासा और आगे आगे जैसे महाराज की टीका में बहुत अच्छा होने वाला है सब चीजों का। तो जो लोग कहते हैं कि हमेशा व्यवहार सम्यक दृष्टि के पास निश्चय सम्यक दर्शन होगा ही, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक के बिना दूसरा होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा होता है ऐसा नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन मुख्यता से है, निश्चय सम्यक दर्शन गौण है। गौण क्यों है, क्योंकि क्वापी, क्वापी का मतलब कभी भी, कभी, क्वापी का मतलब क्या होता है, कभी, कौन से कभी, कब, निर्विकल्प समाधि काले, तो ये काल कभी आता है। सविकल्प तो काल हमेशा चलता रहता है, सात तत्वों की रुचि रूप, मूलाचार की चर्या के अनुसार चर्या रूप, तो ये सब जो है सविकल्प है, है ना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, है ना, कैसे स्वाध्याय करना, ये सब सविकल्प है। निर्विकल्प कभी आता है, तो जिस समय आता है वो क्या करता है, ऐसे स्पर्श कर लेता, यही निश्चय सम्यक दर्शन है। अब निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो जाना वो नहीं होता, बस पंचम काल में इतना हो सकता है, अपनी सविकल्प की मर्यादा को छोड़ करके, है ना, जो लाइन बनी हुई है वो कबड्डी 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 करता करता सारे विकल्पों को छोड़ता छोड़ता और वो निर्विकल्प दशा में इतना पहुंच सकता है कि बस उसे अपना प्रतिभास हो जाए और थोड़ा सा बस वो निर्विकल्प क्षण का स्पर्श करके लौट आएगा, बस इतने से टिकाव नहीं होगा वहां पर, क्योंकि सहनन नहीं है, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था नहीं है। हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसा तो कई बार हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब होता है, क्योंकि जब आप सामायिक ध्यान के काल में मतलब इसी तरह का मन बना के बैठो कि अब हमें कोई पंच परमेष्ठी का पर तत्व का कोई हमें आराधन नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी स्व आत्म तत्व का ही करना है, तो होता है। अब होने को तो जो भी निर्विकल्प व्रती होते हैं उनके लिए भी
यथा गुणस्थान सब संभव होता है ना। लेकिन जब देखो पांचवें गुणस्थान के भी बहुत सारे लब्धि स्थान होते हैं कि नहीं होते, तो वो सभी तो कोई अपने व्रत पालन से नहीं छू लेता, तो उस गुणस्थान के जो व्रत जो संयम लब्धि स्थान होंगे वो बढ़ेंगे, वो भी तो इसी रुचि से ही बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, निर्विकल्प समाधि पंचम गुणस्थान में भी हो सकती है, ये भी कहा गया है ना समयसार जी टीका में, ये भी कहा गया व्रतियों के लिए है, अव्रति के लिए नहीं कही गई। तो इस तरह से ये समय कभी आता है, अगर आप इसको अधिकता में लाओगे तो अधिकता में भी आएगा। तो यह इसकी मुख्यता और गौणता इसी काल के अनुसार बनती है। तो यूं नहीं है कि जो व्यवहार सम्यक दृष्टि है वो हमेशा निश्चय सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन का टाइम अलग आता है, व्यवहार सम्यक दर्शन का टाइम अलग होता है। तो मुख्यता जब व्यवहार सम्यक्त की रहती है तो निश्चय गौण होता है, और जब निश्चय की मुख्यता आ जाती है तो व्यवहार गौण हो जाता है। ये मुख्य गौण की व्यवस्था चलती रहती है, दोनों एक साथ हों ये जरूरी नहीं है। तो ये इसलिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं, मार करना चाहिए। देखो क्या शब्द डाले, तथापि प्रचुरेण बहिरंग पदार्थ में रुचि रूप जो व्यवहार सम्यक तो उसकी तत्र मुख्यता, तो उसकी वहां मुख्यता है। व्यवहार सम्यक व्यवहार मोक्ष मार्ग में किसकी मुख्यता है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन की मुख्यता है। व्यवहार सम्यक दर्शन किस रूप होता है, तो बहिरंग पदार्थों में रुचि रूप होता है। बहिरंग का मतलब बाहरी इंद्रिय विषयों में रुचि रूप नहीं है, बहिरंग पदार्थ का मतलब अब हम जैसे मान लो पढ़ रहे हैं अनंत सिद्ध भगवान है, सिद्ध जीव से गुड़े अनंत है, तन निगोद एक जीव वसंत, तो ये क्या है, है? मतलब एक निगोद जीव के शरीर में सिद्धों से अनंत गुड़े जीव रहते हैं। अब ये हम चिंतन में ला रहे हैं, ये हमारा श्रद्धान बन रहा है, ये हम विचार कर रहे हैं, तो ये बहिरंग आत्म तत्वों का श्रद्धान है। भगवान ने क्या कहा कि एक निगोद जीव में सिद्धों से भी अनंत गुड़े जीव होते हैं। अब ये जो हमारा विचार है ये हमारे बहिरंग पदार्थ का श्रद्धान कहलाएगा, ये व्यवहार सम्यक्त की कोटि में जाएगा। तो जो भी हम ये शास्त्रों के विषय पढ़ते हैं ये सब व्यवहार सम्यक्त की कोटि में जाते हैं, है ना। इसी की मुख्यता उसके जीवन में रहती है, प्रचुरता इसी की रहती है, और कभी क्वापि निर्विकल्प समाधि काले ऐसे ही बन जाता है। हाँ, दोनों तो चाहिए और दोनों होते भी हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं होते ये कहा जा रहा है। व्यवहार और निश्चय दोनों एक समय पर नहीं होते, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दोनों को एक समय पर मानने बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कस्मात विवक्षितो मुख्य इति वचनात्, है ना। अब ये इसमें लगाओ, विवक्षितो मुख्य इति शितेन्यो गुड़ो विवक्षो न निरात्मकस्ते तथा रिमित्रानुभयादि शक्तिर द्वयावधि कार्य करम ही वस्तु। पढ़ लेते हो, इसका प्रयोग इसमें करो, व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग। जो विवक्षित है वो मुख्य है, जो अविवक्षित है वो गौड़ है, बस। तो जिस समय पर आपकी बहिरंग पदार्थों में श्रद्धान की व्यवहार सम्यक दर्शन की मुख्यता रहेगी, वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ही मुख्य है। इतर का अभाव नहीं हो गया लेकिन वो गौण है। कभी कभी रुचि होती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता, तैयारी करता है कि भाई आज उसको छू के आऊंगा, आज उसको पकड़ के आऊंगा, तो वो पाली तक पाली तक पहुंचने से पहले ही या तो उसका पैर लड़खड़ा जाता है, हाँ, या कसाई पकड़ लेती उसको, दूसरे आके जकड़ लेते हैं, तो वो फिर वो लौट आता है, समझ आ रहा ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आदमी उत्साह बनाता है, कबड्डी 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 और वहां तक गया, थोड़ा सा आगे बढ़ता है और दूसरे उसको उसी की पाली में आके पकड़ लेते हैं और खिचड़ के अपनी पाली में भी ले जा सकते हैं। तो ऐसा अगर हो गया तो वो भी हो जाता है कि भाई कसाई की पकड़ में आ गया, तो ज्यादातर जैसे बैठो, अब कहीं दूसरा विकल्प आ गया, कुछ कहीं और दिमाग चला गया,
कहीं निद्रा आ गई, है ना, तो ये तमाम विकल्प में उलझ गया, निद्रा इद्रा के चक्कर में पड़ गया, तो वो टाइम चला गया। तो फिर वो सोचता है कि भाई ना तो वो निश्चय मिला और ना ये कुछ व्यवहार का हाथ लगा, ये भी फालतू का टाइम में चला गया, तो अब क्या करे, तो कुछ तो बचा के रखो, तो वही अड़मुकार मंत्री पढ़ते रहो, यही भलाई है जब आएगा टाइम तब देख लेंगे ये सीखना इन चीजों से, है ना, व्यवहार और निश्चय का इस तरह से रुचि भी रखना और प्रयोग भी करना, तो ऐसा होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि हमें निश्चय में ही घूमना है तो निश्चय में ही जाएंगे, फिर कई बार लोग निश्चय में फिर लुढ़कते रहते हैं, व्यवहार में भी नहीं रह पाते, फिर इतना निश्चय में पहुंच जाते हैं, बैलेंस तो ऐसा, इसलिए ये तदपि कस्मात व्यवहार मोक्ष मार्ग व्याख्यान प्रस्तावात इति भावार्थ। ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग के व्याख्यान का यहाँ प्रस्ताव है, माने मुख्यता उसकी है, इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रचुरता से मुख्यता से हम बात कर रहे हैं, निश्चय उसके लिए गौण है, ऐसा समझना चाहिए। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।